तो हम लोगों ने एक्टिव और पैसिव वॉइस समझ लिया क्या है, ठीक है, कैसे एक्टिव को पैसिव में करते हैं, कैसे पैसिव को एक्टिव में करते हैं। ये जो कन्वर्जन है कि पैसिव को एक्टिव में करना, एक्टिव को पैसिव में करना, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्वॉल्व है, यानी कि जो टेंसेज हमने पढ़े हैं, टेंसेज में हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस और इनके टाइप्स पढ़ लिए। अब अगर कोई भी सेंटेंस हमें दिया गया है और वो एक पर्टिकुलर टेंस में है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया गया और ये पहचानना है कि वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में, तो कैसे पहचाना जाएगा और एक्टिव को पैसिव से, पैसिव को एक्टिव से कन्वर्ट करते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो समझना जरूरी है। और उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया हुआ है। टेबल में टेंस या फिर मॉडल प्लस बेस, जिसमें टेंसेस को बताया गया है, मॉडल्स या फिर कोई भी बेस हो, ठीक है, उनको एक्सप्लेन किया गया है। जब जो टेंस हो तो फिर उसके साथ अगर एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो कौन से शब्द को यूज किया जाएगा, किस टाइम पे, ठीक है, कब वर्ब के साथ ईडी लगेगा, कब आईएनजी लगेगा, ये सब देखना जरूरी है। वहीं अगर स्टेट सेम स्टेटमेंट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो कौन सी चीज कहां पर यूज होगी, ये हम लोग इस टेबल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग, मैं जो हूं टेबल एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा, एंड देन एक्टिव पैसिव, पैसिव एक्टिव आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। तो पहला जो हम टेंस की बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर स्टेटमेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो वो एक्टिव वॉइस में क्या क्या यूज किया जाएगा। एक्टिव वॉइस में टेक, टेक यूज किया जाएगा, टेक्स, आई एम टेकिंग, यानी कि हम खाली टेक कुछ ले जाना, टेक की बात कर रहे हैं कि अगर एक पर्टिकुलर वर्ड है तो उसको और वो किस टेंस में है तो उसको कैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस में यूज करेंगे। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है तो हम टेक यूज कर सकते हैं, टेक्स यूज कर सकते हैं, और फिर ये, और यही दो चीजें हैं जो हम सिंपल प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, टेक और टेक्स, ठीक है, जब हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो क्या यूज करेंगे, आई एम टेकन, इज टेकन, आर टेकन, यानी कि ले, आई एम टेकन, इज टेकन और आर टेकन ऑलरेडी, मतलब हम लोग सब्जेक्ट और जो वर्ब जो डिनोट किया जा रहा है उसको किस तरह से बदल रहे हैं ये देखेंगे। तो जहां पे एक्टिव वॉइस में टेक और टेक्स यूज होता है, वहीं पैसिव वॉइस में आई एम टेकन, इज टेकन और आर टेकन यूज होगा, ठीक है। तो यानी कि जैसे अगर हम एग्जांपल लिया जाए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर हम स्टेटमेंट लें तो बहुत ऐसे ले लें कि डिड यू टेक माई बुक, ठीक है, अगर कोई ऐसे सेंटेंस लिया जाए तो अगर उसको एक्टिव वॉइस में यूज करेंगे तो टेक यूज होगा, वहीं अगर पैसिव वॉइस में यूज करेंगे तो जो टेक है उसकी जगह या तो एम टेकन आएगा या इस टेकन आएगा या फिर आर टेकन आएगा, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे जब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो। अब वही बात करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस में याद रखना था वर्ब के साथ आईएनजी आता है, वही यहां पर होगा। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो तो उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए आई एम टेकिंग, इज टेकिंग, आर टेकिंग, यानी कि वर्ब के साथ हम लोगों ने आईएनजी लगा दिया। वहीं पे अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो इज बीइंग टेकन और आर बीइंग टेकन, यानी कि क्या बन जाएगा, वो जो आई एम टेकिंग, इज टेकिंग और आर टेकिंग था वो इज बीइंग टेकन और आर बीइंग टेकन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए ध्यान रखना है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो। फिर जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हैज और हैव का यूज हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव आता है। अब एक्टिव वॉइस में हैज टेकन और हैव टेकन, क्योंकि काम हो चुका है तो ऐसा दिखाएंगे कि ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो हैज और हैव के साथ हम लोग टेकन यूज करेंगे। वहीं
अगर पैसिव वॉइस की बात आई और प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज बीन टेकन, हैव बीन टेकन, ये यूज करेंगे हम लोग पैसिव वॉइस में, ठीक है। फिर अगर सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो वॉज का यूज किया जाता था, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, टुक, यानी कि एक्टिव वॉइस में, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस का जब स्टेटमेंट दिया गया हो, उसको एक्टिव वॉइस में दिखाना हो तो हम लोग टुक लिखेंगे खाली, वहीं पैसिव वॉइस में दिखाने के लिए हम उसे वॉज टेकन और वर टेकन कर देंगे, ठीक है। तो वॉज और वर पास्ट के पैसिव में यूज होंगे, जबकि एक्टिव में खाली टुक यूज होगा, ठीक है। देन एग्जाम्पल है हमारे, अब अगर हम वही पास्ट कंटिन्यूअस में देखें तो पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज टेकिंग और वर टेकिंग हो गया, जो यहां पे इज एम आर था वही वॉज टेकिंग और वर टेकिंग हो गया, और वही पैसिव वॉइस में वॉज बीइंग टेकन, वर बीइंग टेकन, जो यहीं पे था इज बीइंग टेकन और आर बीइंग टेकन और एम बीइंग टेकन। तो पास्ट और प्रेजेंट में काफी सिमिलैरिटीज हैं, बस जहां पे इज एम आर आ रहा है पास्ट में हम उसकी जगह वॉज और वर लगा देंगे। फिर पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, जब पास्ट परफेक्ट की बात होगी तो हैड टेकन ही आएगा, क्योंकि पास्ट का जो परफेक्ट का सेंटेंस है हैड टेकन, हैड ही यूज होता है, वही पैसिव वॉइस में हैड बीन टेकन हो जाएगा, जैसे यहां पे हैज बीन टेकन और हैव बीन टेकन था, यहां पे हैड बीन टेकन हो जाएगा। फिर सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं, जो सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, विल टेक और शैल टेक, ठीक है। एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए विल और विल टेक और शैल टेक यूज करेंगे, जबकि पैसिव वॉइस में विल बी टेकन और शैल बी टेकन यूज होगा। फिर हम लोग ये बात करते हैं जो हमने मॉडल्स को देखा कि अगर मॉडल्स हैं या बेस हैं तो क्या करा जाएगा, अगर कैन, मे, मस्ट, यानी कि जो हमने मॉडल्स पढ़े थे, कैन हो गया, मे हो गया, मस्ट हो गया, शैल हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, ये जितने भी मॉडल्स थे इनके साथ हम लोग, जैसे मस्ट है तो मस्ट टेक, विल है तो विल टेक, शैल है तो शैल टेक, कैन है तो कैन टेक, मे है तो मे टेक, यानी कि ये बेस के साथ यूज होंगे एज इट इज, मॉडल प्लस बेस यूज होगा। एक्टिव वॉइस है तो यही, और अगर इसी को पैसिव में करना है मस्ट बी टेकन हो जाएगा, यही स्टेटमेंट मस्ट बी टेकन की तरह यूज किया जाएगा। तो ये जो टेबल था इसमें टेंस या फिर मॉडल और बेस यूज हो तो कैसे एक्टिव वॉइस में स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना चाहिए या फिर पहचानना हो कि कौन सी वॉइस है, एक्टिव है या पैसिव है, तो पहले आप स्टेटमेंट को पहचानिए कि स्टेटमेंट कौन सी टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, या पास्ट के कौन से टाइप में है, या फ्यूचर के कौन से टाइप में है, इसको पहचानिए। फिर देखिए कि कौन सा वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, टेक टेक्स, यानी कि उसके अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड हमने यूज किया है वो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ये हमें हेल्प करेगा पहचानने में कि उसकी एक्टिव वॉइस है या फिर पैसिव वॉइस है। तो इस टेबल का ये फायदा होगा कि स्टेटमेंट को पहचानना वो कौन सी वॉइस में है और उसके टेंस के थ्रू इजी हो जाएगा, एंड इसके थ्रू कन्वर्जन भी बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये टेबल था जो एक्टिव और पैसिव वॉइस की बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है।